हेलो माय ब्यूटीफुल हनी बीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन और ये है मेरी बटरफ्लाई आयत जो अभी उड़ने की कोशिश कर रही है काफी दिनों से, बट अफसोस उड़ नहीं पा रही है ना। तो आप सबको तो पता ही है कि ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले हम लोगों का आयत की जो राइस सेरेमनी है वो हम लोगों ने किया था। मतलब फर्स्ट उसने सॉलिड फूड जो है वो टेस्ट किया था और करने के बाद ही उसने वॉमिट कर दिया था, ये भी आप लोगों को पता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अब से मुझे सॉलिड फूड जो है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए आयत के लिए, क्योंकि अभी तो सॉलिड फूड खाने का टाइम हो गया है। एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पे बच्चे जब फर्स्ट सॉलिड फूड खा रहे हैं तो उल्टी कर रहे हैं, गले में अटक रहे हैं, खांसी आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इन सब के बारे में। तो आज मेरे हस्बैंड घर पे है तो मैंने सोचा आज ही ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था अकेले अकेले कुछ देने में, और मेरी मम्मी भी नहीं है इसीलिए। तो आज मैं आयत को फर्स्ट सॉलिड फूड जो है वो खिलाने वाली हूँ, एंड आयत की जो रिएक्शन है वो भी मैं देखने वाली हूँ कि कैसा है नहीं है, ये सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। एंड फर्स्ट मैं आज स्टार्ट करूँगी एप्पल से, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एप्पल प्यूरी जो होते हैं ना वो जब फर्स्ट आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हो ना तो एप्पल प्यूरी बेस्ट होता है। तो आज हम लोग एप्पल प्यूरी आयत को खिलाएंगे। तो चलो अभी दिखाती हूँ कि एप्पल प्यूरी हम लोग कैसे रेडी करेंगे। तो एप्पल प्यूरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मीडियम साइज के एप्पल। अब आप अपने बेबी के लिए जो एप्पल लोगे ना वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। कभी कभार होता है हम लोग मार्केट से ले आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा सड़ा हुआ है साइड में, दिखता नहीं है वो, तो वैसे टाइप के एप्पल आप बिल्कुल ना ले, एकदम फ्रेश होना चाहिए वो एप्पल। फिर उसके बाद एप्पल को आपको अच्छे से पील कर लेना है, कोई भी छिलका ना रहे, क्योंकि एप्पल को ना अच्छे से पॉलिश किया जाता है, उसके ऊपर काफी सारे केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, कभी कभार तो आर्टिफिशियल कलर भी लगाए जाते हैं। तो अगर छिलका समेत आप उसको बॉयल करोगे तो वो मेल्ट होके एप्पल में चले जाएंगे और वो बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। एप्पल को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ ताकि स्टीम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। एंड आपको ध्यान रखने हैं एप्पल के जो सीड है ना वो बहुत ही हार्मफुल है सबके लिए, तो सीड एंड बीज का जो हार्ड पार्ट है ना वो सब कुछ हटा लेना है। अब आयत फर्स्ट टाइम एप्पल खाएगी इसीलिए मैं पूरा एप्पल उसे नहीं दे रही हूँ। मैंने एप्पल को टोटल 4 पीसेस में कट किए थे, उनमें से 3 पीसेस मैं उसे दे रही हूँ एंड 1 पीस खुद खा रही हूँ। तो एप्पल को स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया है, फिर उसमें थोड़ा सा हाइट क्रिएट करके एक स्टेनलेस स्टील के बोल में मैं सारे एप्पल्स को डाल के उसके अंदर डाल रही हूँ। कुकर में जब एक सीटी हो जाए तब आपको गैस को बंद कर लेना है, एंड सारे जब प्रेशर निकल जाएंगे तब आपको प्रेशर कुकर खोलना। वैसे मेरे पास कोई भी स्टीमर नहीं है इसीलिए कुकर में डाल के मैं स्टीम कर रही हूँ, बट अगर आपके पास स्टीमर वगैरह हो तो आप उसी से कर सकते हो, एंड कुकर में ये बहुत अच्छे से स्टीम होता है। बट हाँ, पानी में डाल के एप्पल को बॉयल करके वो वाला आप बिल्कुल भी मत खिलाना, क्योंकि उससे ना एप्पल के सारे स्वीटनेस वगैरह निकल जाते हैं तो वो बच्चे को अच्छा भी नहीं लगेगा। वैसे कुकर में ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब सॉफ्ट होके पूरा एकदम प्यूरी जैसा बन गया है, इसीलिए मैं इसको ब्लेंडर में नहीं डाल रही हूँ, बट आप चाहे तो ब्लेंडर में डाल के अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना, उससे बेबी को खाने में आसानी होगी। एप्पल प्यूरी आ गए हैं, आयत को देख के ऐसा लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड मैंने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, ये बॉइल्ड वाटर है और ठंडा करके मैंने दिया है। हाँ देखो आयत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इतना उछल कूद करोगे तो खाओगे कैसे? मैं तो काफी ज्यादा डर रही थी कि आयत मतलब ये ना खांसी ना शुरू हो जाए या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफी इंजॉय कर रही है इस चीज को, है ना। मैं बेकार में इतना ज्यादा टेंशन कर रही थी और इतना दिनों के बाद मैं, बट मूवमेंट लेने के बाद वो पहले निकाल रही है, उसके बाद अच्छे से वो खा रही है। बहुत ही अच्छा है, गुड फूड गुड लाइफ, हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहिए। आई थिंक बैठ के वो सही से नहीं खा पा रही, उसको सुला के खिलाना ज्यादा सही रह जाएगी।
तो एक पिलो के ऊपर जब मैंने आयत को सुला के खिलाना स्टार्ट किया, आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह मेरी बच्ची कितने अच्छे से खा रही है। एक्चुअली इतने दिनों से बच्चे तो सब कुछ लेट के ही पीते थे, इसीलिए बैठ के वो नहीं खा पा रही थी। तो आप अपने बेबी को पहले बैठ के ही खिलाने की कोशिश करना, अगर वो खा पाती है तो इट्स ओके, अगर नहीं पाती है तो एक पिलो के ऊपर ऐसे लेट के खिलाना। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, डॉक्टर ने भी मुझे ऐसे ही कहा था कि फर्स्ट आप जितने भी सारी चीजें बेबी को देने वाले हो खाने के लिए, अगर वो खाती है तो इट्स ओके, बट अगर वो नहीं खाती है तो फोर्सफुली आप उसे कुछ भी मत खिलाना। वैसे एक चीज मैं बता दूं, एप्पल में ना विटामिन ए, फिर विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, काफी सारे चीजें होते हैं, एंड ये बेबीज के डाइजेशन में काफी अच्छे से हेल्प करते हैं। फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी अच्छे से बूस्ट करता है। तो आप ना मतलब ओवरऑल एप्पल जो है, एप्पल बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसको एवरी डे दे सकते हो। एंड एप्पल काफी स्वीट होते हैं तो बच्चे को मतलब अच्छा भी लगता है खाने में। वैसे एप्पल के अलावा भी आप चाहे तो पपाया दे सकते हो, फिर मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स, मतलब ऐसे टाइप के जितने भी सारे स्वीट एंड सॉफ्ट जितने भी फ्रूट्स है ना, वो सब कुछ आप दे सकते हो उसको अच्छे से प्यूरी बना के। एंड और एक चीज, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है, जब भी आप बेबी को न्यू कोई भी चीज दे रहे हो, या फिर आप उसे मतलब ब्रेकफास्ट सुबह फीडिंग के बाद दो, या फिर लंच में दे सकते हो, मतलब सुबह के टाइम पे ही देना, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चे को कोई भी चीज खाने के बाद एलर्जी वगैरह हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा पाओ। तो रात को बिल्कुल भी मत देना, न्यू चीज सारे सुबह आप उसे इंट्रोड्यूस करवाना। ये देखो पूरा खाली हो गया है। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पानी आपको ज्यादा ज्यादा पिलाना है। तो गाइस, मैंने आयत को अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, एंड मतलब मेरी बटरफ्लाई को एप्पल प्यूरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिले, आप लोगों को मैं मतलब कह नहीं सकती हूँ। तो अभी से हर रोज़ मैं उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैं उसे खिलाना स्टार्ट करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में ज़्यादा नहीं देना है। जो भी हो, आप लोग भी अगर आपके जो बच्ची है वो अगर 6 मंथ की हो गई है, तो आपको भी फर्स्ट मैं एप्पल प्यूरी ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी स्वीट होते हैं एंड बच्चों को एप्पल पसंद भी आते हैं। तो मेरी बटरफ्लाई को तो बहुत पसंद आई। और गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब आगे आगे मैं आयत को क्या क्या खिलाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट करके कह सकते हो, तो इसके ऊपर मैं बैक टू बैक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम दोनों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय कह दो, मासी लोगों को बाय बाय कह दो, बाय बाय।